चुनावी साल में राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा सवालों के घेरे में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच इलेक्टोरल बोर्ड पर सुनवाई कर रही है। मामला पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। याचिका दाखिल करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का कहना है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को RTI के दायरे में लाया जाए। बता दें, केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया है और कहा है कि ये स्कीम किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करती है, इसीलिए इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। केंद्र सरकार ने साल 2017 में चुनावी ट्रस्ट को खत्म करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी। ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। ये बॉन्ड सिर्फ अधिकृत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में मिलता है, जो 15 दिनों तक वैलिड रहता है। बॉन्ड खरीदने के लिए नागरिक या कंपनी को अपनी पूरी डिटेल बैंक को देनी होती है, यानी बॉन्ड के लिए बैंक में KYC डिटेल देना जरूरी है। अब आपको बताते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने ADR के हवाले से एक रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की, जिसमें पिछले 5 सालों में राजनीतिक दलों को मिले चंदे के बारे में विस्तार से बताया गया। डेटा के मुताबिक 2017 से 2022 तक इलेक्टोरल बॉन्ड से BJP को 5,271.97 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस को इलेक्टोरल बोर्ड से सिर्फ 992.29 करोड़ रुपए मिले। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 767.88 करोड़, तो NCP को 63.75 करोड़ रुपए मिले। आगे प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा मिल रहा है, उसमें सरकार की मिलीभगत है। प्रशांत भूषण के मुताबिक SBI और ED के पास चंदा देने वालों की सारी जानकारियां है और दोनों ही सरकार के अधीन है। हाल ही में कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत चंदे को लेकर ED पर बड़ा आरोप लगा चुके हैं। गहलोत ने कहा था कि दूसरी पार्टी को जो भी लोग चंदा दे रहे हैं, उसके घर पर ED पहुंच रही है। आगे आपको बता दें, चुनाव आयोग ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर 3 सवाल उठाए थे। 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सभी चुनाव आयुक्तों की एक बैठक हुई थी। बैठक में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त AK ज्योति ने 3 सवाल उठाए थे। सबसे पहला सवाल, चुनाव आयोग ने कहा चुनावी बॉन्ड व्यक्तिगत उम्मीदवारों और नए राजनीतिक दलों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, ऐसे में इन लोगों को बड़े स्तर पर चंदा कैसे मिलेगा। बॉन्ड नियम के मुताबिक 1% वोट लेने वाली पार्टियों को ही पैसा मिल सकेगा। दूसरा सवाल, आयकर अधिनियम के तहत नगद के रूप में 2,000 रुपए तक का दान लिया जा सकता है, जबकि प्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक 20,000 रुपए तक नगद रुपए दान में लिए जा सकते हैं। तीसरा सवाल, राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना चंदा मिलता है, इसका विवरण क्रमवार चुनाव आयोग को निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। आखिरी में आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड पर चल रही सुनवाई में अब तक क्या क्या हुआ है। ADR ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ याचिका दाखिल की है। ADR का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे के बारे में देश के सभी नागरिकों को जानने का अधिकार है। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के सामने सोमवार 30 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट पेश की। केंद्र ने कहा कि राजनीतिक दलों के चंदे के बारे में जानने का अधिकार आम नागरिकों को नहीं है। साल 2017 के बजट सत्र में मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की घोषणा की थी। करीब 1 साल बाद जनवरी 2018 में इसे अधिसूचित कर दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड किसी गिफ्ट वाउचर जैसे होते हैं। सरकार हर साल 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिन के लिए बॉन्ड जारी करती है। मूल्य होता है 1,000, 10,000, 10 लाख या 1 करोड़ रुपए। राजनीतिक पार्टियों को 2,000 रुपए से अधिक चंदा देने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति या कॉरपोरेट हाउस भारतीय स्टेट बैंक की तय शाखाओं से बॉन्ड खरीद सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।